चलिए तो नर्व्स देखे, नर्व्स के कर्व्स एंड सरफेस। ठीक है, अभी है क्या इसमें, क्या क्या चीज़ देखने वाले हैं, क्लिक करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, व्हाट इज नर्व्स? ठीक है, नर्व्स के, नर्व्स एक शॉर्टकट है, क्या फुल फॉर्म इसका क्या है, नॉन यूनिफॉर्म रेशनल बेसिस लाइन। तो ये याद रखना, कभी आप जॉब के लिए जाते हो या कहीं पर जाते हो तो वहाँ पर इन चीज़ का यूज़ होता है क्या, कि भाई नर्व्स है क्या, शॉर्टकट नर्व्स ही बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये माइंड में रहना चाहिए कि भाई नर्व्स क्या है, नॉन यूनिफॉर्म रेशनल बेसिस स्प्लाइन। ये स्प्लाइन है, जैसे मैक्स में स्प्लाइन होता है वैसे माया में स्प्लाइन है, लेकिन ये थोड़ा सा स्ट्रांग है माया के लिए। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे जितने भी 360 ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग कैसे डील करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रोम लिया यहाँ पे। ठीक है, क्रोम में चलते हैं यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे जैसे कहता हूँ चेस, चेस के मैं यहाँ पे चेस पीसीज में निकाल लेते हैं। ठीक है, चेस पीसीज में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सेप्स को थोड़ा सा निकालते हैं क्या, जैसे स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में मैं कैसे क्या काम कर पाऊंगा उनको मैं देखता हूँ कि मेरे पास सेप्स हैं कैसे और क्या क्या पार्ट है। स्टार्टिंग में देखो, तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैनेज करने के लिए, बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि भाई मेरे पास कैसा क्या पार्ट है। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पे काम करना है तो मैंने सेव इमेज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, एंड कहाँ जाना है, हम लोग चलते हैं डेस्कटॉप पे, यहाँ पे मैंने डाल दिया। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, बोतल का कोई पार्ट है, सपोज मैंने ऐसा बोतल लिया पे। ठीक है, अभी ऐसा बोतल मुझे कुछ ऐसा बनाना है तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, बोतल हो गया मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं आपको जैसे यहाँ पे दिखाऊँ ग्लास। ठीक है, जैसे मुझे कोई ग्लास बनाना है, जैसे ये ग्लास बनाना तो कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो ये मैं ऐसा ग्लास पिक करता हूँ। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप्स में आपको यूज़ करके बताने वाला हूँ कि चलो ऐसे क्या कर सकते हैं, कि मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। माया, माया में गई सबसे पहले, फोर व्यू में गए। फोर व्यू में जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, पहला पार्ट फ्रंट व्यू, मैक्सिमाइज किया इस तरह प्रेस करके। ठीक है, व्यू में गए, यहाँ से मुझे क्या करना है, इमेज प्लेन एंड इम्पोर्ट इमेज। ठीक है, यहाँ से मैं इमेज इंपोर्ट करता हूँ। डेस्कटॉप पे गया, डेस्कटॉप पे मैंने नर्व्स नाम का फोल्डर बनाया था। नर्व्स यहाँ पे आ गए, पहले कोई भी चीज़ उठा लेते हैं, जैसे मान लो सपोज ग्लास, थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पहले उठाते हैं। ठीक है, ये तो ईजी लगेगा आपको यहाँ पे समझने में और काम करने में। माइंड में एक चीज़ हमेशा याद रखना, कभी भी कोई चीज़ बनाओ ग्रिड का यूज़ करना है, बिना ग्रिड के अगर आप काम करते हो तो आप फंस जाओगे। ठीक है, तो ये हमेशा माइंड में रखना है। जैसे देखो ये बेसिक है, सीखने के लिए बहुत अच्छा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्रिएट पे गया, यहाँ पे आपको मिलता है सीवी कर्व टूल। सीवी कर्व टूल भी आपको मैं समझाता हूँ कैसे क्या काम करता है। पहले देखते हैं शेप कैसे बनाते हैं। फर्स्ट क्लिक किया, ट्रेस करना है, ट्रेस करना बहुत आसान है। 1 2 3 4 ऐसे करके आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। ये किया आपने यहाँ पे, ठीक है, ये शेप आपने यहाँ पे। अब देखो स्ट्रेट लेने के लिए यहाँ पे मैं देखो सिर्फ प्रेस करूँ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, पाँच पाँच पॉइंट लूंगा तो वहाँ पे चाहिए मैं यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, सेफ क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लेके सेफ प्रेस करके काम करेंगे। यहाँ पे देखो, जब भी मुझे पास का सेफ थोड़ा शार्प चाहिए तो पास पास पॉइंट खींच दूंगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मुझे दूर में मेरा काम चल जाएगा। यहाँ पे देखो राउंडनेस, यहाँ पे ये थोड़ा सा डिस्टेंस में मेरा काम चल जाएगा यहाँ पे। तो इस पॉइंट्स को समझना आपको यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे मुझे शार्पनेस चाहिए तो यहाँ पे मैंने पास पास पॉइंट क्लिक किया तो ये चाहिए मेरे पास, थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे। ये ऐसा तो लगता है यहाँ पे दूर है। ठीक है, यहाँ पर राउंडनेस चाहिए, ऐसे पॉइंट क्रिएट करो आप यहाँ पे, अन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं अपने पे। शिफ्ट शिफ्ट शिफ्ट, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और ध्यान देना, ये ऐसे ट्रेस मत करना क्या, जब भी बेस होगा तो बेस यहाँ पे खड़ा होगा। तो यहाँ पे देखो ये जो शेप आपका यहाँ पे आएगा, शेप प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे स्ट्रेट लेना क्या। देखो मैं इसे स्ट्रेट ले रहा हूँ, ध्यान रखना स्ट्रेट क्यों ले रहा हूँ ये भी बताता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा इमेज प्रोस्पेक्टिव है। और जब भी हम लोग कोई ऑब्जेक्ट ऐसे राउंड बना देंगे ना तो खड़ा नहीं रहेगा। ऑल टच करो, ऑल टच याद है। अभी देखो बेसिक शेप हमारे पास आ गया, शेप ट्रेस करना आता है, कर लोगे मुझे यहाँ तक लगता है बचपन से अभी तक काफी चीज ट्रेस किया होगा सभी लोगों ने, है ना? यस सर। तो राइट क्लिक करके देखो, कंट्रोल वर्टेक्स हमने देखा था, कंट्रोल वर्टेक्स से हम लोग ऐसे कुछ मैनेज कर सकते हैं। अभी इतने सारे पॉइंट्स है, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो अपने आप इसका पाइवट सेंटर पे है ना, चलते हैं प्रोस्पेक्टिव। स्पेस प्रेस करेंगे, माया पे गए, प्रोस्पेक्टिव यह है। अब इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे,
सरफेस में गए, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रिवॉल्व, क्लिक किया ये आ गया। ठीक है, अभी ब्लैक आएगा, ब्लैक को ठीक करते हैं। ब्लैक ठीक नहीं होता क्या यहाँ पे, ब्लैक मतलब अपोजिट है। मैंने यहाँ पे कर्व को सिलेक्ट किया, कर्व सिलेक्ट दिख रहा है यहाँ पे, सरफेस पे गए, यहाँ पे होता है रिवर्स डायरेक्शन, अभी दिखा क्या, वाओ अभी देखो कितना बढ़िया शेप बन गया क्या। अभी हम लोग यही, हम लोग टॉम का कोई पिलर है वो बनाएंगे तो शेप मैच कर लेंगे क्या, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लगा? नो सर, नो सर। अभी स्टार्टिंग में देखो होता है क्या, जब स्टूडेंट काम करते हैं तो यहाँ पे इधर उधर मूव कर लेते हैं, ये देखो सही आ गया। इसका अगर गलती से कर्व मूव करते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सर्फेस है, सर्फेस को मैंने ऑफ किया यहाँ पे, ये यहाँ पे मैंने कर्व मूव किया तो शेप खराब हो जाएगा, कुछ और बन जाएगा। तो हमें करना क्या, जब भी हम लोग ये ऐसा कुछ करें, पहला काम होते ही जब यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा हॉलो है तो इसको यहाँ पे क्या करना, कंट्रोल वर्टेक्स लेना, मिलाना क्या, पास लेके जाओ तो ये ऐसा। ठीक है, पहला काम होते ही आपको क्या करना, दोनों को सिलेक्ट करना, एडिट में गए एंड डिलीट हिस्ट्री। ठीक है, कहाँ गया भाई डिलीट हिस्ट्री, यहाँ पे डिलीट हिस्ट्री कर देना, अगर नहीं करोगे तो वापस फिर आओगे। ठीक है, अभी मैं इसको किसी को मूव कर लूँ कोई दिक्कत नहीं, देखो यहाँ मूव करो अब तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा। चलो एक मॉडल बन गया, लेयर पे गए, ठीक है ये मैंने ऑफ कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच वापस लेके आ गए। ठीक है, अभी ऐसे कुछ हम ट्राई कर सकते हैं, इसका भी काम नहीं है तो मैं यहाँ पे रखना चाहूँ रख सकता हूँ, या मैं डिलीट करना चाहूँ डिलीट कर सकता हूँ, डिलीट कर दिया, प्रेस डिलीट हो गया। फ्रंट में गए, एक और मॉडल लेते हैं, यहाँ पे व्यू पे गए, इम्पोर्ट इमेज प्लेन, यहाँ पे मैंने क्या किया, डेस्कटॉप पे गए, यहाँ पे मेरे नाउस का नाम का फोल्डर है यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे गए, दिस वन बोतल या वही ये लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे क्या करना है, इसको ऐसा कुछ लेंगे, ठीक है अभी समझ में आ रहा है, ग्रिड का यूज करना जरूरी है। अभी देखो मैंने वहां पे बनाया था तो ऊपर से बनाया था, यहाँ पे जो मैं बनाने वाला हूँ कहीं और से बनाने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे, क्रिएट में गए, सीवी कर्व टूल, ठीक है अभी देखो यहाँ से मैंने क्या किया, सिर्फ ये सिर्फ सेंटर पे नहीं है, सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, सेलेक्ट किया मैंने अभी, ग्रिड का यूज करके सेंटर पे लिखेंगे, जो भी टूल हम लोग यूज करते हैं क्लिक किया वो यहाँ पे आ जाता है, क्लिक करेंगे वापस आ जाएगा। अभी यहाँ से मैंने क्लिक किया यहाँ पे, देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे थोड़ा सा समझ के रहने को, यहाँ पे देखना अभी शेप्स प्रॉपर राउंडनेस के साथ आप यहाँ पे मैनेज करोगे आप। ठीक है, ये सिर्फ मैंने ऐसा कुछ लिया यहाँ पे, ये सिर्फ अभी ये जब ऊपर जब आएंगे तो ऊपर तो होता है थिकनेस में, तो होता याद रखना ऊपर तो राउंड करना है यहाँ पे ऐसे थिकनेस देना क्या, इसके बाद इस जो आपने पॉइंट पहले बनाया उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग मैच करके चलना, ताकि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, ये आ गया हम लोग यहाँ पे, ओके ये पॉइंट में बस यहाँ पे आ गया, और देन यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे शेप्स को आराम से ये मैनेज कर सकते हैं। तो ऐसे करके शेप्स को बहुत ही प्रॉपर बनाना है, जितना आप मैच कर सको, डिस्टेंस भी थोड़ा सा इक्वल रखने की कोशिश करना पॉइंट्स का, तो सब डिवीजन इक्वल होंगे तो आपको मॉडल बढ़िया दिखेगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे कर्व है, कर्व को मैनेज करना है, देखो कर्व आपको यहाँ पे मैनेज किया जा सकता है। अभी देखो ये शेप आपको सीधे सीधे लेके आना, सीधे सीधे लेके रख लेना आप यहाँ पे, यहाँ पे ध्यान देना आप, देखो ये पॉइंट है ना आपके पास यहाँ पे, यहाँ पे मैंने क्या किया स्विफ्ट, देखो दो पॉइंट यहाँ पे लेने वाला हूँ, पास के लिए दो पॉइंट यहाँ पे लेंगे, स्विफ्ट 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 स्विफ्ट, जब भी मुझे टर्न करना है पे आस पास से तीन पॉइंट रखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सीधे ही लाइन लेके आना है, सीधे स्विफ्ट स्विफ्ट, ठीक है ऐसे करके। अभी टेक्निकली देखें तो ये जो पॉइंट है ये थोड़ा अंदर भी होता है, राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स अंदर की तरफ ऐसे भी जाता है यहाँ पे, ऐसे भी आप शेप्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो अगर करना चाहो तो। ठीक है, यहाँ शेप्स है थोड़ा सा मॉडिफाई किया हमने यहाँ पे कर्व शेप्स। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड, रेफरेंस को मैंने एच प्रेस किया, अभी देखो शेप आपका आया यहाँ पे, प्रोजेक्टिव पे गए यहाँ आ गया। अभी देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वापस गए कहाँ जाएंगे, सरफेस पे गए और मैंने यहाँ पे क्या रिवॉल्व कर लिया, ब्लैक आया, क्या करेंगे यहाँ पे कर्व पे गए रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है आ गया। ठीक है गाइस, ऐसा कुछ हो सकता है,
ठीक है, तभी हमने यहाँ पे देख लिया, ये पार्ट हो गया ऑफिस। ठीक है, अभी ये स्टेप आपको याद रखना है, क्या करेंगे, एडिट में गए एंड डिलीट हिस्ट्री, ये कॉमन चीज़ है, हमेशा करते रहना जब मॉडल बन जाए तो। ठीक है, यहाँ पे मैंने लेयर क्रिएट किया, लेयर का नाम देना है मुझे यहाँ पे, तो मैंने नाम दिया GLE SS Glass। ठीक है, जो भी आप काम करोगे नाम देख के करना। कोई कलर देना चाहते हो, जैसे कोई कलर आपने दिया यहाँ पे ब्लू कलर, तो कलर इस लेयर का कलर दिया, इस मॉडल का कलर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैंने सेट किया, इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। अब देखो इसे अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो मूव करने में देखो ये ऐसा आ रहा है, कई बार ऐसा भी होगा कि आप जो मूव करोगे तो दोनों अलग अलग भी जाएगा, ध्यान रखना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल जी करना है ग्रुप और फिर मूव करना, देखना यहाँ पे। ओके, तो ये पार्ट में बस ऐसा हो जाएगा। तो दोनों को मैंने कर लिया हाइट, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, वापस आ गया, डिलीट कर रहा हूँ वापस। ठीक है, फ्रंट पे आ गए। ओके, अभी हमने यहाँ पे फ्रंट पे आ गए, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, व्यू में गए, इमेज इम्पोर्ट, एक बोतल भी लिया था हमने यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आ गया नाउस 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 नाउस। ठीक है, बोतल ले लिया। ठीक है, बोतल लेते हैं, बोतल को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये पार्ट को सेट ऑन किया। अभी यहाँ पे हम लोग इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है अभी बनाते कैसे, तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे क्रिएट पे गए। ठीक है, और सेव गो टू। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, इसको समझना क्या, जैसे मैं जो पॉइंट जो क्लिक करूँ उसको समझना। देखो यहाँ पे मैं पास पास पॉइंट भी दूंगा, स्टार्टिंग में कुछ पास पॉइंट दूंगा। ये पार्ट आपका यहाँ से जितना आप मैच करके चलोगे उतना ज़्यादा आपको बेटर मिलेगा क्या। ठीक है, ये देखो इसे पैसा कुछ आया, थोड़ा सा मुझे बाहर लेके जाना, तो यहाँ पे सिर्फ प्रेस किया, यहाँ पे हल्का सा, अब यहाँ पे थोड़ा सीधा कर देता हूँ, टिल्टेड। ठीक है, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये सिर्फ मैंने ऐसा कुछ किया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा टर्न दे रहा हूँ। अभी सपोज मुझे ढक्कन खोलने वाला बनाना है, पहले मॉडल को समझना क्या, अगर मुझे बोतल जो बनाना है बंद ही बना के मुझे रूम में दिखाना है, तो मुझे अंदर का बनाने की जरूरत नहीं है। अभी मुझे अगर यहाँ पे दिखाना है कि भाई मेरे पास ढक्कन खोलते हुए दिखाना है, कोई एनिमेशन है, तो ढक्कन अलग बनाएंगे, नीचे का पार्ट अलग बनाएंगे। ठीक है, ये वी फंडा हमें समझना है क्या, कि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हमारे पास पहले ये सब कुछ प्लान करके होता है कि आपको ये मॉडल खोलना है तो आपको कैसे बनाना है। देखो यहाँ पे ये मैंने पॉइंट लिया, ये मेरे से गलत हो गया, तो बैक स्पेस कर दिया मैंने यहाँ पे, वापस फिर से वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने बैक स्पेस किया, शिफ्ट शिफ्ट स्ट्रेट लाइन है मेरे पास यहाँ पे, तो शिफ्ट से स्ट्रेट लाइन हो गया यहाँ पे, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, यहाँ से शेप्स को मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लगता है थोड़ा सा टर्न है, तो यहाँ पे देखना अभी ये पार्ट आपके पास यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट अभी यहाँ से मैंने लिया यहाँ पे, देखो एक पॉइंट यहाँ पे हल्की सी लाइन दिख रही है, यहाँ पे हल्की सी लाइन दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया, लिटिल बिट शेप प्रेस किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, हल्का सा मैंने शेप्स हल्का सा अंदर, ये थोड़ा सा मैंने इस टाइप से शेप्स को मैंने मैनेज कर दिया ताकि वो लाइन दिख सकेगी यहाँ पे। ये शेप मैंने ऐसे दिया, अभी यहाँ पे ये शेप मत बनाना क्या, इसमें देखो ये अलग है, तो ये शेप बनाने के लिए हमें अलग सा, जैसे लास्ट में हमने एप्पल बनाया था ना, तो वैसा कुछ मुझे यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, वो भी चीज़ कैसे करते हैं वो भी दिखाता हूँ, एंटर कर दिया यहाँ पे, प्रोसेक्टिव पे गए, ऑल टच याद रहेगा। देखो सेफ से मेरे पास यहाँ पे, अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, कहाँ जाएंगे, सरफेस सरफेस पे गए, हमने लिया रिवॉल्व, रिवॉल्व से मैंने अप्लाई कर दिया। देखो यहाँ पे रिवॉल्व में अप्लाई करूँ तो रिवॉल्व अप्लाई करने पे क्या है, देखो सेगमेंट कितना है, ये भी ध्यान देना। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा टाइम के लिए मैं अंडू करता हूँ, कंट्रोल जेड किया मैंने यहाँ पे, डिस्प्ले शो एंड ऑल रेफरेंस मैं वापस ले आता हूँ। अभी फ्रंट पे आके देखो यहाँ पे कितने पार्ट हैं, यहाँ पे देखो एक, अभी एक पार्ट को बनाने के लिए कितने चाहिए, एक दो तीन चार, 1 2 3 4, फोर यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, दो दो चार छः आठ होंगे, है ना, दो इधर हैं, दो उधर हैं, दो दो चार और दो दो इधर। ठीक है, सपोज आठ हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैंने कैलकुलेटर लिया, हमने सपोज मैंने 8 लिया, तो 8 × 4 32 सेगमेंट चाहिए मुझे, क्लियर है? यस सर। अभी ओके, यहाँ पे जो सेगमेंट आ रहा है वो 8 है, मैंने यहाँ पे क्या 32 कर दिया, रिवॉल्व किया, सेगमेंट ज़्यादा आया क्या, देखना यहाँ पे, अभी ये सेगमेंट थोड़ा ज़्यादा हो तो सर वो डील करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत भी होगी। ठीक है, मैंने एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मैं आपके लिए थोड़ा सा और ईजी करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, कैंसिल किया, मैंने यहाँ पे किया लाइक 6 करते हैं, 6 × 4 कर देते हैं, तो 24 हो जाएगा, तो 24 लेके देखते हैं यहाँ पे, सरफेस एंड रिवॉल्व
24 कर दे, ठीक है 24 इज एनफ, ये हो गया ठीक है 24 मेरे पास यहाँ पे आ गया। अभी चलो इसको हम लोग देखते हैं भाई कैसे क्या काम होता है। एज यू नो अभी देखो ये एक चीज़ और आपको बताऊँगा, यहाँ पे गए सिंपल सा पार्ट मेरे पास, मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ से कर्व सेलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे कर्व पे गए रिवर्स ये पार्ट, ठीक है बोतल बन गया एच फॉर हाइट। अभी ये तो मेरे पास मॉडल है, इस मॉडल को यहाँ पे क्या करता हूँ राइट क्लिक किया मैंने कंट्रोल वर्टेक्स। अभी देखो यहाँ पे अगर आपको याद है तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ये फ्रंट में गया यहाँ पे देखो, या तो आप ऐसे करके सेलेक्ट करो, देख रहे हैं यहाँ पे कितना पार्ट सेलेक्ट करना है, इतने पार्ट को छोड़ दिया यहाँ पे देखो ये पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे इतना पार्ट सेलेक्ट किया, दो को छोड़ता हूँ यहाँ पे, फिर शिफ्ट प्रेस करके मैं सेलेक्ट किया ओके, फिर दो को छोड़ दिया शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है फिर दो को छोड़ दिया मैंने यहाँ पे, फिर शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट किया, ऐसे करके मैं ऑल्टरनेटिव में सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे। ये पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी नहीं तो हमारा काम, यहाँ पे क्या है यहाँ देखो ये दो को कर दिया यहाँ पे, ये अभी देखो ऑलमोस्ट ठीक ठीक आ गया यहाँ पे, ये कुछ अनवांटेड वर्टेक्स है, फोर प्रेस करो मुझे इस वर्टेक्स को डिसलेक्ट करना है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस किया डिसलेक्ट कर दिया, फाइव प्रेस किया यहाँ पे देखो देख रहे हैं यहाँ पे। अभी इज इट पॉसिबल अगर मैं इसको ऊपर कर दूँ यहाँ पे, ठीक है अपने शेप के अकॉर्डिंग, जैसे पेप्सी की जो बोतल है तो उसके नीचे ऐसे शेप होता है ना, ये बोतल इसके नीचे ऐसे शेप है, तो ऐसा शेप बना सकते हैं यहाँ पे। अभी फंडा क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है अभी हमने ऐसा कुछ बना दिया, हमारा काम हो गया, ठीक है रेफरेंस को मैं हाइड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी सपोज एक सिंपल सा ऑप्शन और बताता हूँ, जैसे मेरे पास ये मॉडल हो गया सेलेक्ट किया एडिट एंड डिलीट बाय हिस्ट्री, अब सपोज यहाँ पे मैंने डाल दिया देखो, तो यहाँ पे कर्व है, कर्व को मैं इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है फ्रंट पे। अभी अगर मैं सीवी कर्व टूल यहाँ पे देखो, अगर मैं जैसे मैं हम तो ऊपर से स्टार्ट करता हूँ, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया मैंने, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ढक्कन मुझे अलग से चाहिए, ठीक है ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया यहाँ पे, और ऐसा कुछ यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं आकर मैनेज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है अभी यहाँ से मैंने स्टार्ट किया राइट क्लिक कंट्रोल वर्टेक्स, जो भी मुझे मैनेज करना है मैं मैनेज कर सकता हूँ। ये पार्ट में बस यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो इसको मैं थोड़ा ऐड ऑन कर देता हूँ फिर, ठीक है सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे सरफेस एंड रिवॉल्व, तो यहाँ पे आया ना ग्रे स्केल, लाइक मैंने नीचे से स्टार्ट किया तो वो पॉजिटिव आया, ऊपर से स्टार्ट करो तो निगेटिव आएगा, तो ये भी थोड़ा सा माइंड में रखना है। थोड़ा सा मैं इसे कस्टमाइज करके भी दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे क्या है मैंने इतना बना दिया, देखो अंदर ब्लैक है, ब्लैक अच्छा दिखेगा नहीं क्या, ठीक है यहाँ पे मैंने क्या किया कर्व को सेलेक्ट करता हूँ राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स, इसको सेलेक्ट किया, इसको मैं सीधे ऊपर लेके जा सकता हूँ, तो मैं ऐसे में मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, ठीक है यहाँ देखो ऊपर ब्लैक आ रहा है, ब्लैक आने पर मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैंने ऐसे मैनेज किया तो ये ऐसे भी पार्ट आएगा क्या, ठीक है यहाँ आपने ज़्यादा किया तो ब्लैक आएगा, कम करोगे तो ऐसा कुछ पार्ट मैनेज करना, तो ये थोड़ा बैलेंस करके आपको यहाँ पे डील करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी एक ऑप्शन और भी जब यूज़ करेंगे, जब हम लोग इसमें पॉली में लेके जाएंगे, तो अभी लास्ट टाइम आपको याद है मैंने एक पॉइंट लेना बताया था, मैंने राइट क्लिक किया ठीक है पॉइंट ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, ठीक है कर्व में गए यहाँ पे क्या ऑप्शन है यहाँ पे, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे इंसर्ट नोट टेक पॉइंट आ गया, फिर से देखें कर्व पॉइंट यहाँ पे मैंने कॉल लिया मैंने, ठीक है और कर्व्स में गए इंसर्ट 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 कहाँ गया इंसर्ट नोट, ठीक है राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स। अभी मैं पे इस वाले पॉइंट को लेके मैं ऐसा करके बंद कर सकता हूँ यहाँ पे, तो ये भी पॉसिबल है मुझे अगर ऐसे भी डील करना पड़े तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर आपके पास एनिमेशन में कुछ ऐसा है जिसमें आपको ये दिखाना है कि भाई मुझे बोतल का ढक्कन खोलना है, तो ये अलग बनेगा, नीचे वाला पार्ट अलग बनेगा, दोनों ऐसे ही दिखने चाहिए, कहीं पे ब्लैक नहीं दिखना चाहिए, ब्लैक दिख गया तो मतलब काम खराब। अभी इसी में देखो एक दो चीज़ और जोड़ देता हूँ, अभी यहाँ पे गया कंट्रोल पॉइंट यहाँ पे क्लिक किया, जैसे यहाँ पे किया ठीक है इंसर्ट इंसर्ट नोट, ठीक है यहाँ पे मैं गया सिंपल कंट्रोल पॉइंट, ठीक है और मैंने यहाँ पे क्या किया इंसर्ट इंसर्ट नोट, ठीक है कंट्रोल, ये पार्ट मुझे ये जानना है मुझे कर्व को सेलेक्ट करना है क्योंकि कर्व से कनेक्टेड है, ठीक है तो मैंने यहाँ पे किया और मैंने यहाँ पे क्या किया इंसर्ट नोट, ठीक है तो मैं इसे भी इसलिए आपको मैं बार बार बताऊँ ताकि आपको उसका यूज़ पता चले और याद हो जाए क्या। स्टार्टिंग में इसमें और भी ऑप्शन है जिसमें हम एक बार में कई बार पॉइंट्स ले सकते हैं क्या, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको यही मैं करूँगा, ठीक है यही बताऊँगा। कंट्रोल वर्टेक्स पे गए, अभी देखो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट
इसको भी सिलेक्ट कर दिया मैंने और इसको भी सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड उनके नीचे लेके आ गया था। इसको भी नीचे लाने का एक बेनिफिट बताता हूँ। देखो ये पॉइंट आपका ऐसा कुछ तो आपको 3D परस्पेक्टिव में भी डील करना है, आपको आना चाहिए। यहाँ सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, इसको नहीं, कर्व को। कई बार मैं डिस्टर्ब करता है ना, तो यहाँ से सरफेस ऑफ कर दो तो सिर्फ कर्व भी सिलेक्ट होगा। ठीक है, कंट्रोल वर्टेक्स पे गए, देखो यहाँ पे ये कई बार तंग कर ही देते हैं। राइट क्लिक, कंट्रोल वर्टेक्स, ये भी सिलेक्शन ध्यान रखना है। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे किया, ये पॉइंट मैंने सेंड कर, यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। ठीक है, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे किया, इसी पॉइंट साथ में यहाँ पे दिखाऊँ। जैसे मुझे यहाँ पे क्या काम करें, अगर मैं यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किया यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट मैंने ऐसे कुछ किया, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा डिटेल ऐसे भी दे सकता हूँ कि मुझे अगर ऐसे भी कुछ काम करना पड़े तो मैं ऐसे करके भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे डिटेल देने के लिए आपके पास यहाँ पर चीज़ें आएंगी क्या। आई क्लिक, कंट्रोल पॉइंट, ठीक है, छोटी छोटी डिटेल भी आपको यहाँ पे बनाना है क्या। जितनी छोटी छोटी डिटेल आप बनाओगे वो चीज़ आपके लिए और ज़्यादा बेटर होगा क्या। इंसर्ट नोट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कहाँ गए पावर पॉइंट, ठीक है, और इंसर्ट नोट कर दिया पावर पॉइंट एंड इंसर्ट नोट। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे मैं चीज को चाहूँ तो जैसे ऐसे मैंने किया और इस पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया, जैसे ये पॉइंट है इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। तो अगर मैं छोटी सी डिटेलिंग कुछ ऐसे देना, तो ऐसे देखो डेप्थ आ रहा है यहाँ पे, कितना बढ़िया डेप्थ आ गया। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ना, ऐसे करके मैं डेप्थ को मैं मैनेज कर सकता हूँ क्या। ठीक है, अभी फंडा क्लियर है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ में देखना चाहूँ तो मैं कैसे क्या कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या करना है, मुझे खाट का खाट बनाना है, तो खाट के शेप के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, इन चीज़ों को कैसे बनाएंगे वो दिखाता हूँ। तो पहले इनको मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट किया मैंने, एडिट पे गए एंड डिलीट बाय हिस्ट्री। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा मैंने मैनेज की यहाँ पे, तो मॉडिफाई एंड सेंटर पिवट कर देते हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा रोटेट करके यहाँ पे मैं दिखा भी दूँगा। भाई हमने कुछ काम किया था ऐसे भी करके दिखा सकते हैं। ठीक है, कि ऐसा कुछ पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, और फ्रंट में गए, इसको थोड़ा सा नीचे भी रख देंगे, चल भैया। ठीक है, प्लेसमेंट देंगे हम लोग बाद में, और जो भी कोई काम करते हैं क्लियर क्रिएट करके ऑफ कर देते हैं। अभी चलिए अभी यहाँ पे देखते हैं, मेरे पास अगर खाट का ऐसा सेप बनाना चाहिए, कॉर्नर वाले एक पार्ट को मुझे बनाना हो तो मैं कैसे बना सकता हूँ। तो अभी ये देखो, ये पूरा तो राउंड सा बनाया जा सकता है, लेकिन ये जो सेप है इसको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्ले करूँगा, यहाँ पे नोट्स में गए, यहाँ पे पहले लिया सर्कल, सर्कल को समझना पड़ेगा। तो एक सर्कल मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, एक सर्कल लिया मैंने यहाँ पे, दूसरा मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ स्क्वायर लेता हूँ। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, तो इन दोनों को ही मैं वन बाय वन करके कॉपी करके बनाने वाला हूँ। तो पहले देखो, जब मैं स्क्वायर लूँगा तो स्क्वायर में एक इंपॉर्टेंट चीज़ और भी है क्या, कि स्क्वायर मैंने लिया तो यहाँ पे मुझे क्या करना होता है, कर्व्स में जाके मुझे यहाँ पे इनको अटैच भी करना पड़ता है। ठीक है, अटैच डिटैच ये एक बार देखना पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको, अटैच कनेक्ट है, तो कनेक्ट में कैसे किया। ठीक है, देखो ये अलग आया, यहाँ देखो ये शेप्स अलग है, वो भी अलग हो रहा है, ध्यान से देखना क्या। इसको मैंने मूव किया तो ये भी मूव हो रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जब भी हम लोग ऐसा कुछ करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पहला काम इसको सेलेक्ट किया, एडिट एंड डिलीट हिस्ट्री। अभी चेक करो, अभी तो नहीं हो रहा, तो ये एक बार क्रॉस चेक कर लेना क्या। तो ये रेक्टेंगल में ये प्रॉब्लम है, तो पहले अटैच कर लिया, चलो ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या करना, एक बेसिक शेप है, मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल डी कर दिया यहाँ पे। अभी आपको इमेजिन करके थोड़ा सा शेप्स ऐसे बनाना है क्या, ये ऐसा शेप आपने लिया तो भी आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक रेफरेंस लेके मैंने आपको बता दिया, आप रेफरेंस लेके भी आप लगा सकते हो। कंट्रोल डी किया मैंने यहाँ पे, यहाँ पे गया थोड़ा सा मैंने स्केल किया यहाँ पे, जिसे ऐसा एक बड़ा एक पॉइंट यहाँ पे आया, दूसरा पॉइंट आपका यहाँ गया, तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पे, फिर चौथा पॉइंट एक और ले लेते हैं यहाँ पे, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, ये इतना पार्ट। ठीक है, मैं बहुत ही बारीक वाली डिटेल नहीं बना रहा, छोटे छोटे डिटेल्स छोड़ा, उसके बाद ये पार्ट है क्या। इसको मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे, रेक्टेंगल को यहाँ पे मैंने कर दिया जीरो, ध्यान रखना क्या, जीरो करते हुए अपने इस जगह पर आएगा सेंटर पर। अब इसको हम लोग करते हैं इसके ऊपर, अब इसके ऊपर है देखो, ये अंदर वाले पार्ट से ये बड़ा है, तो हम लोग गए टॉप पे गए, आर फोर स्केल, इसको मैंने बड़ा कर दिया, बड़ा होना भी चाहिए, ये बड़ा कर दिया। ठीक है, देन यहाँ पे मैंने क्या किया, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ इतना सेप लिया। चलो ऐसा कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि बिना रेफरेंस हम लोग बना रहे तो ऐसा कुछ पॉसिबल है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल डी इसके ऊपर लिया मैंने यहाँ पे, छोटा करेंगे यहाँ पे। ठीक है, छोटा किया डब्ल्यू प्रेस के यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल डी किया इसको ऊपर किया मैंने यहाँ पे, आर फोर स्केल हल्का सा बड़ा कर दिया मैंने यहाँ पे, फिर कंट्रोल डी किया मैंने हल्का सा ऊपर कर दिया यहाँ पे,
फिर कंट्रोल डी कर दिया, हल्का सा ऊपर करेंगे एंड छोटा करेंगे। तो बेसिक शेप्स को अगर आप देख के समझते हो तो आपका काम आसान हो जाता है। और ऊपर करना है कंट्रोल डी, डब्ल्यू प्रेस किया मैंने यहाँ पे, आर फोर स्केल आप छोटा कर सकते हो ऐसा कुछ। अभी स्टार्ट करते हैं, अभी देखो यहाँ पे चीज़ें हैं क्या। अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे 1 2 3 4 ये था 5 1 1 करके सेलेक्ट करना, ये 6 हो गया, ये पार्ट, ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट और ये पार्ट। अभी यहाँ पर हम लोग काम करने, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, सरफेस में गए एंड यहाँ पर मैंने कर दिया लॉफ्ट। तो लॉफ्ट में देख रहे हो आप, यहाँ पे ये कुछ ऐसा सेप आ रहा है क्या। अभी इसका प्ले करते हो आपको ध्यान क्या देना है, देखो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप इसे प्ले करने बैठोगे, यहाँ पे सेप को सेलेक्ट कर दिया, सरफेस ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे मैंने सेप लिया। सेप को मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ देखो ये सेप है, मैं बस आगे पीछे कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे जैसे हमने पॉइंट्स हमने लिए, पॉइंट्स को लेने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे सेलेक्ट किया मैंने कर्व, इसे मैं रोटेशन दूँ, ठीक हो रहा है क्या। यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस किया, अंदर किया, यहाँ पे आर फोर स्केल ऐसे कर रहे हैं। ये देखो सेप समझ पा रहे हो, सेप्स को मुझे कैसे रखना है, ये देखो यहाँ पे तो सेप्स मुझे ऐसे दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रोटेशन दिया, ठीक है, फोर प्रेस किया, ठीक है, फोर प्रेस करने में देखो यहाँ पे देखा कर्व 5, ये देखो। तो अभी ये को ये इस टाइप के कॉम्प्लेक्स शेप बनाने के लिए यूज़ किया जाता है कि हमें थोड़ा आइडिया मिले भाई मेरे पास ऐसा कुछ शेप है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कुछ किया मैंने यहाँ पे डन W। अभी ये शेप पॉसिबल है, देखो ये शेप मैं नीचे करूँ तो ये आपके पास एक और शेप निकल जाएगा। अभी जितने पॉइंट्स आप यहाँ पे मैनेज करो, देखो ये शेप आपके पास ऐसे भी, तो इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर 2 शेप लिया, तो 2 शेप के लिए मेरे पास ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। अभी सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैं एक बार फिर से सरफेस को मैंने कर दिया ऑफ, सरफेस ऑन करके डिलीट किया मैंने यहाँ पे, इसी को मैंने यहाँ पे कंट्रोल डी और ऐसा कर दूँ, तो देखो यहाँ पे कुछ बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। इसे देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल डी कर दिया यहाँ पे, ठीक है, हल्का सा मैंने यहाँ पे नीचे कर दिया। ये सेप अभी देखो यहाँ पे मुझे जहाँ पे सेप्स जरूरत है, मैं आप अगर ऐड ऑन करके दूँ यहाँ पे, तो पॉसिबल है शायद थोड़ा सा और बेटर दिखे। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा कि भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, कैसे करना है और किस टाइप से चीज़ को मैनेज करना है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ गए, सरफेस पे गए, यहाँ पे किया लॉफ्ट, अभी देखो पहले से बेटर आया। तो ये चीज़ अगर हम लोग समझ जाते हैं कि मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आर फोर स्केल देखें यहाँ पे ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे करना है, तो मैं आर फोर स्केल, ठीक है, मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। दूसरी बात ये ऊपर लेके जाऊँ, शार्पनेस नीचे लेके आऊँ, यहाँ पे सरफेस ऑफ कर दो, तो ये शेप हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है यहाँ पे। तो ऐसा करके मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो इसको थोड़ा समझना है कि जैसे आप कोई भी काम करते हो तो कैसे समझ सकते हैं यहाँ पे। यहाँ देखो सर हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे स्केल किया, यहाँ पे शेप दिया, यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे रोटेशन दिया। तो इससे अब जब आप प्रैक्टिस में लेके आओगे तो ये तो आपके लिए ईजी हो जाएगा क्या। देख लो आप यहाँ पे ये पार्ट आपका ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ पार्ट ये थोड़ा बेटर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा ऐसा कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस किया, अप किया यहाँ पे, ठीक है, सेप लिया मैंने ऐसे ऊपर कर दिया यहाँ पे। देखो सेप्स को मैं कैसे मॉडिफाई कर पा रहा हूँ, ये देखो ग्रिड को मैंने ऑफ किया यहाँ पे, सेलेक्ट किया आर फोर स्केल, दोनों को एक साथ स्केल कर सकते हैं यहाँ पे, इसको सेलेक्ट कर दिया, डब्ल्यू प्रेस किया, ऊपर नीचे लेके आ सकते हैं यहाँ पे। तो मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं ये हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। ये कोई पार्ट देख रहे हो आप यहाँ पे, हमने अभी स्केल कर दिया, ये पॉइंट मेरे पास कैसा है, इसको मैं अप करूँ, डाउन करूँ, ठीक है। तो कैसे मैं मैनेज कर पाता हूँ यहाँ पे, ये शेप भी मुझे यहाँ पे मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये शेप मेरे पास यहाँ पे गया, आर फोर स्केल, देखो मैं इधर एडजस्ट कर रहा हूँ, ऊपर पर भी इम्पैक्ट आ रहा है, तो मुझे कैसे एडजस्ट करना है। देखो यहाँ पे कोई शेप देना चाहता हूँ दे सकता हूँ यहाँ पे। तो ऐसे करके मैं कोई भी चीज़ को मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स शेप को बनाने के लिए हम लोगों को क्या यूज़ करना है, नर्व्स में लॉफ्ट, ठीक है। ठीक है, ये सारे मॉडल देखे हमने यहाँ पे, सेलेक्ट किया, एडिट पे गए, डिलीट बाय हिस्ट्री कर दिया मैंने यहाँ पे, और इसको भी मैंने सेलेक्ट करके देखो यहाँ पे क्या सरफेस के साथ सेलेक्ट किया यहाँ पे, एडिट डिलीट बाय हिस्ट्री, ठीक है, सेलेक्ट कर दिया, इसको भी मैं क्लियर में मैं ऐड ऑन कर देता हूँ, ठीक है। अभी क्या है, जैसे हम लोग ने यहाँ पे क्या क्या बनाया, जैसे मेरे पास यहाँ पे ऐसा कुछ पार्ट है, ठीक है। अभी मैं एक काम कर लेता हूँ, बहुत ही सिंपल सा पार्ट, ज़्यादा कुछ नहीं करता है। मैं यहाँ पे नर्व्स में गए, यहाँ पे नर्व्स में जाने के बाद स्पेयर लिया, यहाँ पे राइट क्लिक कंट्रोल वर्टेक्स, ठीक है, ऐसा कुछ सेलेक्ट कर दिया मैंने इसको यहाँ पे, ठीक है, जस्ट काइंड ऑफ
इसको अंदर की तरफ मैंने कर दिया, ठीक है। ऐसा कुछ पार्ट मैंने ऐड ऑन कर दिया फ्रंट में, क्या तो ऐसे भी कई शेप मैं बना सकते हैं। फोर प्रेस करो, आपको देखिएगा आपके पास यहाँ पे देखो आर फोर स्केल ये ऐसे करके, ठीक है। अब ये शेप मैंने ऐसे कुछ लिया, डब्ल्यू प्रेस करके उसको ऊपर ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे भी शेप आपको बनाना है, देखो बनाने के लिए कई शेप आपको मिल जाएंगे। अभी है क्या कि लाइक मुझे यहाँ पे एक शेप देना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट पे गए और सीवी का टूल यहाँ पे लिया, ठीक है। ऐसा कोई भी शेप मैं ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो शेप मैंने ड्रॉ किया, परस्पेक्टिव में गए। अभी ये जो शेप मैंने ड्रॉ किया, ध्यान दो, ऑल्ट एच, ऐसे शेप ड्रॉ कर लोगे। अभी क्रिएट पे गए, यहाँ पे मुझे क्या करना है, नर्व्स में गए, एक सर्कल ले लेंगे, सर्कल ले लोगे, सर्कल को छोटा करना है कर लोगे स्केल से। डब्ल्यू प्रेस किया, सी एंड मिडिल माउस बटन नोट कर लेना, सी एंड मिडिल माउस बटन, ठीक है। यहाँ से आप स्नैप करो, ये आपका स्नैप होगा। अगर बाई चांस ये नहीं होता, तब इस पर कंट्रोल एंड क्लिक करना है यहाँ पे, एंड सी एंड मिडिल माउस बटन, ठीक है। अभी इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, पहले किसको, सर्कल, फिर से सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे। सरफेस पे एक ऑप्शन मिलता है एक्सट्रूड, ये बॉक्स को ऑप्शन बॉक्स बोलते हैं, क्लिक करना है यहाँ पे, एडिट रीसेट एड पार्ट एंड कंपोनेंट, अप्लाई कर देना है। ये देखो यहाँ पे मुझे ये थोड़ा सा मोटा लग रहा है, कंट्रोल शिफ्ट एन एच, ये देखो यहाँ पे मोटा लग रहा है। अगर ये देखो यहाँ पे काम कर जाएगा, वेल एंड गुड है। अगर मुझे मोटा पतला करना है, फोर प्रेस करो, मैंने सर्कल को सिलेक्ट कर रखा है, इसको मैं स्केल करूंगा तो छोटा बड़ा भी होगा, पतला मोटा भी होगा, ठीक है। ऐसे करके हम लोग ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे, पॉसिबल है। सर एक बार फिर से दिखा दो, यहाँ पे गए, मैंने एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ये मैं सर्कल लिया, सी एंड मिडिल माउस बटन, ये स्नैप कर दिया, ये स्नैप हो जाएगा। पहले इसको सिलेक्ट करना है, दूसरा इसको सिलेक्ट करना है, वापस कहाँ जाएंगे, सरफेस पे, सरफेस पे जाने के बाद यहाँ पे एक्सट्रूड का ऑप्शन मिलेगा, सबसे पहले रिसेट करना। वैसे आप लोगों नए हो तो आप लोगों को करने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करना, एड पार्ट एंड कंपोनेंट देन अप्लाई, ये पार्ट आपका ऐसा कुछ आ जाएगा, और इसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करके आप पतला मोटा जो भी करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे शेप यहाँ पे आ जाएगा, कैसे आपको शेप बनाना है, ठीक है। यहाँ पे हमने किया, ठीक है, डिस्प्ले शो एंड ऑल यहाँ पे आ गया। अभी क्या करते हैं, रेफरेंस के लिए नहीं है, मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, सब कुछ सेलेक्ट कर रखा है, एडिट एंड डिलीट बाय हिस्ट्री, ये हैबिट डाल देने का, बाद में कभी मैं ऐसा मत करना सर मेरा मॉडल ऐसा ख़राब हो गया या कुछ ऐसा हो गया। देखो दो मॉडल है, दोनों का कलर अलग है, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे वाइट, कंट्रोल जी करोगे ग्रुप हो गया। तो जो भी आप मॉडल बनाओगे अलग अलग, वो सबको ग्रुप करके रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये मेरे पास ये पार्ट यहाँ पे किया मैंने, फ्रंट पे गए, फ्रंट पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे सेफ दिखाया, मेरे पास सेफ ऐसा है क्या, देखो ये पार्ट मेरे पास ऐसा है, ठीक है। अभी और देखते हैं यहाँ पे, ये ढक्कन हमारे पास आ गया, ढक्कन को भी दिखा देते, भाई ढक्कन भी हमने बनाया, ठीक है। और क्या बनाया हमने, डिस्प्ले शो एंड ऑल, कुछ कुछ ऐसे भी होंगे जो हमें दिखेगा नहीं, दिखेगा मतलब, ये देखो अंदर दिख रहा बोतल, क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ये देखो। तो यहाँ पे मैंने बोतल को क्या किया, दिस वन ऑफ किया यहाँ पे, इसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ से ऐसे मूव कर दिया, यहाँ पे मैं ग्लास भी आ गया, ठीक है। और एक और चीज़ भी है क्या, यहाँ पे फोर प्रेस करो, यहाँ पे देखो दिखेगा यहाँ पे, कुछ और तो नहीं है, एक काम आप सी चेस का पैन भी आ गया, ठीक है। अभी ऐसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके सिलेक्ट ऑब्जेक्ट भी कर सकता हूँ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और मैंने यहाँ पे ऐसा मूव कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पे मैं चीज़ को दिखाऊंगा, भाई मैंने ऐसा कुछ मेहनत की है यहाँ पे कुछ करने के लिए, ठीक है। तो 4-5 यहाँ पे कर दिया। अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे हर चीज़ का एक प्रेजेंटेशन बनाना है क्या। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले पार्ट शिफ्ट राइट क्लिक पॉलीप्लेन ड्रॉ करना, आर फोर स्केल ये कर देना, सब कुछ आपका ग्रिड पे ही रहना चाहिए। फ्रंट पे क्या देखो, ये सब कुछ मैनेज करना है क्या, कोई भी चीज़ आपका ऊपर नीचे नहीं रहे, समझ रहे ना। जैसे देखो ये मॉडल है मेरे पास यहाँ पे, तो इसको मुझे ग्रिड पे ही रखना है, ठीक है। फोर यहाँ देखो, तो ये रखोगे इस पर, तो देना अभी से आपकी हैबिट अच्छी हो जाएगी, ऊपर है ना, तो ये आप ऐसे करके मैनेज करोगे तो बेटर होगा क्या। दोनों को सिलेक्ट करके रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये पूरा पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे डिसलेक्ट करना है कंट्रोल प्रेस करके, कंट्रोल एंड लेफ्ट माउस बटन, ये तो मैंने ऐसा कुछ मैंने मैनेज कर दिया। ये पार्ट है क्योंकि कॉन्टेक्ट दिखेगा कि जब लाइटिंग हम लोग करेंगे तो कॉन्टेक्ट दिखेगा। 4-5 एंड यहाँ पे सिंपल सा पार्ट सेलेक्ट किया, आर फोर स्केल, आर्नोल्ड पे गए, ठीक है, लाइट्स में गए, स्काई डोम। अभी रेंडर करके देखो रेंडर में कुछ अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा,
ऐसे करके दिखा सकते हो, कोशिश करना फ्रेम में जितना आ सके, ये फ्रेम है, इसको मैं जितना मैं बड़ा कर सकूँ, जितनी हमने मेहनत की है वो उस चीज़ हम लोग यहाँ पे कितना क्लोजअप में दिखा सके। तो ये कैमरा एंगल भी आपका थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या चाहिए दिखनी भी चाहिए और काम भी होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि भाई मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है तो मैं ऐसे करके कुछ मैनेज कर सकता हूँ। एक चीज़ और देखो, ये व्हाइट सा पार्ट का भी ना प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्या, कि यहाँ पे मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को सिलेक्ट किया, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, लैम्बर्ट पे गए, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, थोड़ा सा डार्क कलर करना, कैसे डार्क कलर करने से क्या होगा कि ये फोकस में आ जाएगा। दूसरा इसे स्केल करना, इतना स्केल करना ताकि ये मेरे पास इस कैमरा एंगल में ये पूरे इसके साथ देखे क्या यहाँ पे, तो एक कलर एक मैनेज वो भी एक पार्ट आपको अच्छा दिखेगा क्या, लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन भी दिखा, आपका मॉडल भी दिख रहा है, शेप भी दिख रहा है, डिटेलिंग भी दिख रहा है, तो आपका यहाँ पे अच्छा सा आउटपुट दिखेगा। तो प्रेजेंटेशन का विशेष आपको ख्याल रखना है।